जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2017 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हां, 21 अगस्त 2017 को सूर्य ग्रहण लग रहे हैं जो भारत में दिखाई नहीं देंगे, यानी भारत में सूतक संबंधी कोई भी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की कोई सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर इसका ज्योतिषीय असर बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पर सिंह लग्न वालों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, यानी प्रत्येक राशि प्रत्येक व्यक्ति पर इसका बहुत अधिक असर होने वाला है। आपकी जन्म कुंडली पर इसका क्या असर है, काल सर्प योग है, पितृ रन है, सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र किसी ग्रह पर इसका क्या असर है, ये जन्म पत्री दिखाकर अधिक अच्छे ढंग से जाना जा सकता है, क्योंकि जन्म पत्री में दशाओं के अनुसार इसका असर होता है। आज हम यहां बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण के वक्त हमें दान पुण्य कैसे करने चाहिए और क्या विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि धन की अपूर्व अचूक और अथाह मात्रा हमारे पास आने लगे, यानी व्यक्ति करोड़पति तक बन जाए। मैंने देखा है कि ऐसे ग्रहण में जब कोई विशेष उपाय किया जाता है तो विशेष लाभ होता है, यानी यदि आप विशेष रूप से उपाय करते हैं, विशेष रूप से आप इस ग्रहण के वक्त पाठ पूजा करते हैं जैसा मैं अभी बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन बहुत ज्यादा आने लगा है। तो सबसे पहले आपको यह बताऊं कि सूर्य ग्रहण है, गरीब लोगों की मदद कीजिए, अपने नीचे जो काम करते हैं उनकी मदद कीजिए, किसी भिखारी को कुछ दीजिए, इससे आपको विशेष लाभ होता है। गुड़ का दान कीजिए, आटे का दान कीजिए, सफेद तिल का दान कीजिए, नारियल का दान कीजिए। गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है, गुड़ चीनी आटा और दूध इनका दान कीजिए। भारत में सूर्य ग्रहण 9:16 यानी भारत के समय के अनुसार 9:16 पर रात को 21 अगस्त की रात को 9:16 पर यह ग्रहण शुरू होगा और भारतीय समय के अनुसार 22 तारीख को 2:34 पर रात के 2:34 पर समाप्ति होगी। इस समय में आप विशेष दान कर सकते हैं और विशेष पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में की गई पूजा बहुत ज्यादा प्रभाव देती है, बहुत ज्यादा शक्ति देती है। वातावरण में वाइब्रेशन का भंडार होता है, यदि हम वो भंडार अपनी तरफ खींचें तो हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। तो मैं यहां एक टोटका बताने वाला हूं, एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको बहुत अधिक लाभ देगा, यानी यदि आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने शुरू हो गए हैं। 8 किलो गुड़ या 800 ग्राम गुड़, 8 किलो गुड़ या 800 ग्राम गुड़, 8 किलो दूध या 800 ग्राम दूध, मात्रा या 8 किलो लें या 800 ग्राम ले लें, कोई फर्क नहीं है। चावल 800 ग्राम या 8 किलो, आटा 800 ग्राम या 8 किलो, तिल सफेद तिल 800 ग्राम या 8 किलो, कुछ धन कुछ पैसे 21 केले ये सब आप ले लें और एक आसन बना लें, वहां पर ये सारा सामान अच्छे ढंग से सजा लें। एक आसन पर नहा धोकर यदि गंगा जल घर में है वो डालकर 9:16 से पहले पहले स्नान कर लीजिए और फिर 9:16 रात के लेके 2:34 के मध्य में 21 माला अपने परमात्मा की, अपने गुरु की, जिसको भी आप मानते हैं, उनके नाम के जाप की 21 माला, एक माला में 108 बार हुआ, यानी 108 गुना 21,
जाप करना है। जैसे राम जी को मानते हैं जय श्री राम जय श्री राम, साईं जी को मानते हैं ओम साई ओम साई ओम साई, ऐसे करना है। जितने परिवार के सदस्य हैं यदि सभी करें तो बहुत अच्छा है, या फिर जो कमाई करते हैं वो करें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते माँ बहन कोई भी, यदि सारे करें अच्छा है, जितने सदस्य कर सकते हैं उतना अच्छा है, कोई नहीं करता है, एक सदस्य करे, एक पानी का गिलास रखना है, ये जाप आपने कर लेना है। और फिर सोना नहीं है, 2:34 के बाद फिर स्नान करेंगे और फिर सोएंगे। और ध्यान रहे कि ये पूजा पूजा रूम में नहीं करनी है, या तो अपने रूम में करें या घर में जो लॉबी है वहां पर करें, वहां पर ये पूजा करें। और सुबह ये सारा सामान, पैसे भी निकालने हैं या 8 रुपए या 80 रुपए या 800 रुपए, ऐसे निकाल लें, पैसे भी दान करें। सुबह जो आते हैं ग्रहण का दान लेने वाले उनको कर दें या किसी गरीब को कर दें, मंदिर में मत चढ़ाएं। और जहां पर दान नहीं किया जा सकता वो जल प्रवाह कर सकते हैं। जो लोग सामान नहीं ला सकते वो पैसे भी रख सकते हैं, सारे सामान के पैसे रख कर भी पाठ कर सकते हैं और सुबह वो पैसे किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी संस्था को दे सकते हैं, किसी गोलक में डाल सकते हैं। पैसे तो खैर मंदिर में भी चढ़ाए जा सकते हैं, सामान मंदिर में मत चढ़ाएं या जल प्रवाह कर दें या किसी गरीब को दे दें। गरीब को देंगे तो ज्यादा अच्छा है, गरीब जहां नहीं है वहां पर जल प्रवाह करें। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ना घबराएं, उनको कुछ नहीं करना है। सूतक काल यहां पर नहीं है क्योंकि ग्रहण यहां दिखाई नहीं देगा भारत में। तो ये सब कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और यदि आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में इसका कैसा प्रभाव है, क्योंकि जो काल सर्प योग पितृ रन यदि कुंडलियों में है उन पर यह विशेष असर देगा, तो जन्म कुंडली दिखाकर हम जान सकते हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए। फोन यहां कोई नहीं उठाता है, व्हाट्सएप का जवाब 3 या 4 दिन में दिया जाता है। जन्म पत्री देखने की हमारे यहाँ फीस होती है जो गरीबों में इस्तेमाल की जाती है। 9814450802 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।